गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आप लोग जानते हो कि मैं शॉपिंग पे निकली हूँ। पार्ट वन आप लोगों ने देख लिया है और उसे प्यार भी बहुत सारा दिया है, तो पार्ट टू में लेके आ गई हूँ और यहाँ पे जा रही हूँ। दोपहर के बज गए थे 2, तो हम लोग ने सोचा कि चलो अब लंच कर लिया जाए, क्योंकि भूख भी लग रही थी ना। भूख भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है। सो दैट्स वाई हम लोग आए हैं यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, देवघर का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। सो आधा शॉपिंग हो गया था हमारा, बट अभी भी बहुत शॉपिंग बाकी है। यहाँ पे हम आए हैं और आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना हाथ फेस वगैरह धोया, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है और कोरोना के टाइम आप जितना एहतियात बरतो उतना आपके लिए ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पे अपना फेस वगैरह धो रही, बहुत थक गई थी और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी। बट यहाँ से देखिए आप देवघर का नज़ारा, मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे शहर देवघर का नज़ारा, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे खाना बनने में थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑर्डर देते हो तभी खाना वो बनाना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए गर्मा गर्म खाना मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम मेनू देख के डिसाइड कर रहे हैं। शॉपिंग करते करते लगभग 1:30 बज गए हैं और हम अभी तक रुके हैं। मैं अभी यहाँ खाने आई हूँ, ये देवघर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। और ये हमारा टेस्टी टेस्टी सा खाना आ गया है, इसलिए मैं यहाँ जब भी आती हूँ कुछ और नहीं तो काजू करी जरूर मंगाती हूँ। और ये हमारा लंच हो गया है, अब हम फिर से दोबारा जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। अब जितने भी सारे काम बाकी थे अब सब करना है जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर घर मुझे शाम होने से पहले घर भी जाना है, क्योंकि मेरी बाबू वहाँ पे है अकेली। वैसे तो मम्मी अच्छे से सामान लेती हैं, बट थोड़ा मुझे भी अजीब लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है उसके बिना। सो देखिए आप बाहर देख सकते हो कि कितनी धूप है अभी भी। वी-मार्ट अपने बेटू के लिए, ईशा के लिए कपड़े खरीदने। बाकी मेरी शॉपिंग हो गई है, इनकी नहीं हुई है, बस मेरी बेटू की अभी बाकी है। सो मैं अभी जा रही हूँ। अब हम आ गए हैं एक नेक्स्ट मॉल, ये मॉल था वी मार्ट। देवघर का अच्छा खासा फेमस मॉल है, देवघर में बहुत सारे मॉल हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिल रहे थे, तो मैंने कुछ बेटू के लिए ड्रेसेस लिए और अपने भी प्लाजो वगैरह मैंने यहीं से लिए हैं। तो यहाँ पे मैं बेटू के ड्रेसेस अच्छे अच्छे ढूंढ रही थी, बहुत सारे ड्रेसेस तो नहीं मिले मुझे, मैंने नहीं लिया क्योंकि उसके साइज़ के नहीं मिल रहे थे अच्छे अच्छे और मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। बट एक दो ड्रेसेस मैंने लिए हैं जो मुझे अच्छा लगा उसके लिए। और यहाँ पे ये मुझे स्कर्ट दिखा रहे थे बेटू के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं अभी उसकी स्कर्ट पहनने की एज नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो स्कर्ट अगर पहनती है तो वो छोटी और स्कर्ट ही उससे बड़ा लगने लगता है। दैट्स वाई मैंने उसके लिए स्कर्ट नहीं लिया, कुछ सारे बहुत सारे पैंट्स ही ले लिए मैंने उसके लिए, शॉर्ट पैंट वगैरह अलग से। तो मैं यहाँ पे ले जाके बिलिंग कराने जा रही हूँ और कुछ ड्रेसेस भी लिए थे मैंने। और मैं यहाँ पे अब खुद के लिए प्लाजो ढूंढ रही थी। और भी मार्ट में ही मेकअप का सामान भी मैंने बहुत कुछ ले लिया था, थोड़ा सा महंगा लेता है पे, बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। देखते हैं अब यहाँ पे कुछ मिलता है। और अब हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉल जिसका नाम था V2, एंड दिस मॉल इज आल्सो गुड। और यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले टेडी सेक्शन देखा, क्योंकि मुझे टेडी लेना था वीडू के लिए, तो मैंने लिया है एक टेडी। और यहाँ पे हम घूम रहे हैं कुछ खुद के ड्रेसेस लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं बेटू के ड्रेसेस ढूंढ रही थी, बट मुझे मॉल में भी नहीं मिला। आखिरकार मैंने अच्छे से शॉप में जाके बेटू का ड्रेस लिया है, बट मुझे मॉल में अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि इससे ज्यादा मैं शॉपिंग नहीं कर सकती और जो भी बचा कल लूंगी। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत कुछ टी शर्ट अच्छे अच्छे मिल रहे थे, तो ये भी खुद के लिए टी शर्ट वगैरह ले लिए थे, बट वो बाद में फिर साइज छोटा आ गया था, बट हम लोगों ने रिटर्न करा के फिर ठीक साइज में ले। मॉल के अंदर कहीं भी बैठने का जगह नहीं था, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई हूँ, देख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, खड़ी नहीं रह पा रही थी, इसलिए मैंने इनसे कहा कि मैं जाती हूँ बाहर बैठती हूँ, आप शॉपिंग करो। सो मैं बाहर बैठी हुई हूँ। और फिर से हमें V2 मॉल में भी कुछ अच्छा खासा नहीं लगा बेटू के लिए, इसलिए हम जा रहे थे फिर नेक्स्ट मॉल। और यहाँ पे एक मंदिर था, तो मंदिर में मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करा लिया जाए, मैंने तो किया ही। तो ये भोले बाबा का मंदिर है,
वैसे भी हमारा देवघर भोले बाबा के लिए बहुत फेमस है। और इन्हें कुछ गॉगल्स लेने थे अपने लिए, तो ये ले रहे थे। इन्होंने कहा नहीं, मैं मॉल से नहीं लूँगा, दुकान से ही इनको लेना था, तो इनके साथ मैंने भी ले लिया। और यहाँ पे देखिए, जितनी शाम बढ़ने लगी मार्केट में भीड़ उतनी ज्यादा होने लगी यहाँ पे। फाइनली आई एम गोइंग टू होम नाउ। अब मैं और ज्यादा शॉपिंग नहीं कर सकती, और जितना भी अब सामान बाकी है, जितनी भी चीजें बाकी है, वो मैं अब कल आके लूंगी या फिर कोई और नेक्स्ट दिन आऊंगी तब लूंगी, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई मैं अब घर जा रही हूँ। और मेरी शॉपिंग फिर से अधूरी रह गई, अब नेक्स्ट दिन आऊंगी मैं शॉपिंग के लिए। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि वहाँ बेटू मुझे ढूंढ रही होगी, इसलिए जल्दी चलते हैं अब घर और नेक्स्ट दिन आऊंगी फिर से शॉपिंग, तो आप लोगों को फिर से जरूर लेगूंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।